हाय गाइज, मैं शॉन, आप देख रहे टेक्निकल शॉन। और स्टूडियो में आपको एक लॉन्चर सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि आपका पोको लॉन्चर से अच्छा होगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप पोको का डिवाइस यूज कर रहे हैं या रेडमी K20 या K20 Pro यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि पोको लॉन्चर में बहुत ही ज्यादा बग्स देखने को मिल रहा है, और जो कि पोको टीम की तरफ से बहुत दिन से अपडेट नहीं देखने को मिल रहा पोको लॉन्चर में, जो कि आप देख सकते हैं पोको लॉन्चर 7.4.10 जो कि बहुत दिन से है और उसके बाद कोई भी अपडेट मतलब नहीं आया पोको लॉन्चर में। और MIUI 12 का लॉन्चर में रोज वीकली या मतलब 2 वीक्स में हर एक बार अपडेट मिल जा रहा है और पोको लॉन्चर में अपडेट मिल नहीं रहा है। तो ये क्या हो रहा है? और पोको लॉन्चर में बहुत ही बग्स है अगर आपको पता होगा तो। मैं अभी आपको एक मतलब अल्टरनेटिव सजेस्ट करूंगा जो कि काफ़ी अच्छा एक लॉन्चर है जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको UI के साथ और लुक के साथ देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका बग्स नहीं है। पर ये आपका एक अच्छा लॉन्चर है जो कि आप मतलब पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि एक लॉन्चर जो कि आपको प्रॉब्लम और बग्स दोनों ही नहीं देने वाला है। तो अगर आप देखिए तो इसमें आपको कुछ ऐसा UI देखने को मिल जाएगा। होल्ड करके रखिएगा तो आपको होम स्क्रीन का सेटिंग, एडिट पेज, आइकन पैकेजेस सभी आपको देखने को मिल जाएगा। सेटिंग में जाइएगा तो इसमें आपको कलर्स, आइकनोग्राफी, टाइपोग्राफी सभी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। UI जो काफ़ी क्लीन, काफ़ी मिनिमल देखने को मिल जाएगा। इंटरफेस, ग्रिड, विजेट, जेस्चर्स, एनिमेशन, प्रोफाइल मैनेजर सभी कुछ आपको, इंटीग्रेशन सभी आपको तो देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और आपको पता है पोको लॉन्चर में जेस्चर और एनिमेशन का कमी है जो कि आपको MIUI 12 का सिस्टम लॉन्चर में देखने को मिल जाता है, बट पोको लॉन्चर में आपको नहीं देखने को मिलता। तो यही है जो कि मेरे को पर्सनली थोड़ा बहुत ये लगता है कि उसमें आपको एनिमेशन एकदम देखने को नहीं मिलता बट आपका सिस्टम लॉन्चर में देखने को मिल जाता। तो अगर आपको उसको थीम करना है ये लॉन्चर को तो आप कलर्स में जाकर अपने हिसाब से डेस्कटॉप डॉक या सर्च बार को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ड्रॉअर को, सर्च बार को चेंज कर सकते हैं, आप विजेट का आइकन चेंज कर सकते हैं, डॉक बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। आइकनोग्राफी में जाइएगा तो इसमें आपको डेस्कटॉप डॉक ड्रॉअर फोल्डर सभी कुछ अपने हिसाब से इसमें भी चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो मतलब शेप अगर आप चेंज करना चाहते हैं आइकन को, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी आइकन को सेट कर सकते हैं, और आप चाहते तो आप आइकन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं डॉक में, जो कि पर्सनली इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाता। तो अगर आपको एक स्टेबल और अच्छा मतलब कि लॉन्चर चाहिए जो कि आपको मतलब बग्स नहीं देखने को मिले तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको पोको लॉन्चर उसमें आपको पता है वो बहुत ज़्यादा बग्स देखने को मिल रहा है। और मेरे डिवाइस में मेरे को नहीं पता, मेरा सभी डिवाइस में इतना घटिया एक्सपीरियंस मेरे को मिल रहा था कि मेरे को सजेस्ट मतलब मेरे को थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज़ करना पड़ रहा, और पोको टीम से रिप्लाई भी कुछ नहीं आ रहा, बोल रहे कि कुछ बग्स नहीं है। तो यही बस एक उपाय है, और कुछ उपाय मुझे दिख नहीं रहा। और आपको पता है कि बस आपको भी अगर कुछ करना तो यही कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं और इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये लॉन्चर, जिसमें कि आपको जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आपको पता है तो आप उससे डायरेक्टली नोटिफिकेशन पैनल या मतलब कंट्रोल सेंटर को भी ड्रॉप डाउन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से जेस्चर्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इससे आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन या कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है बाउंस फिजिकली, जो कि पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है मतलब ये लॉन्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो भी पसंद आया तो वीडियो को मतलब लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को टैप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं बोलता कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय।